आणि आता बातमी सुनंदा पुष्कर हत्येप्रकरणी. सुनंदा पुष्कर मृत्यू प्रकरणी काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्या आता अडचणी वाढलेल्या आहेत. दिल्लीतल्या न्यायालयानं ह्या प्रकरणातील आरोपी म्हणून हजर राहण्यासाठी समन्स बजावलेलं आहे. थरूर यांना 7 जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहावं लागणार आहे. थरूर यांच्या विरोधात पत्नी सुनंदा पुष्कर यांना आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणात थरूर यांना आरोपी करण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध असल्याचं निरीक्षण अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल यांनी नोंदवलं आहे. तो कॉन्ग्रेशंस हो गई है, उसको समन किया गया है, तो अब दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा और फिर बहस होगी कि उसका यानी बेल देना है या जेल में रखना है. ये सब 7 जुलाई को फैसला होगी. मेरे जो याचिका है कि दिल्ली पुलिस ने कमिश्नर पुलिस आलोक वर्मा बनने तक यहाँ जितने जो एविडेंस हैं, आधार हैं, उसको नष्ट करने में दिल्ली पुलिस लगी हुई थी. और बधाई देना चाहिए आज के डायरेक्टर हैं आलोक वर्मा सीबीआई के, उस समय वो कमिश्नर पुलिस थे, उन्होंने अपने पुलिस के खिलाफ ही एक इंक्वायरी बिठाई. उस इंक्वायरी की रिपोर्ट पायनियर अखबार में छपा है, उसको मैंने पेश किया था और मैंने कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिल्ली पुलिस को सबमिट करनी चाहिए और आप खुद देख लीजिए कि जो आज केस बना है उससे भी और भयंकर केस बन सकती है हत्या की. श्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.